Hey guys, hi, hello and welcome back to the channel. मैं हूँ आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल Today's News, जहाँ हम कराते हैं आपका फिल्मी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन. आप सभी के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई अपडेट लेकर. करण जौहर की अगली फिल्म सौरव गांगुली का होगा बायोपिक. महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद अब सौरव गांगुली की टीम इंडिया के पूर्ण कप्तान और मौजूदा 20 CCI अध्यक्ष पर बायोपिक बनने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर और सौरव गांगुली कई बार मीटिंग कर चुके हैं. खबरों की माने तो करण जौहर से पहले एकता कपूर सौरव गांगुली की बायोपिक बनाना चाहती थी, जिसे सौरव ने ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, लेकिन कुछ कारण से इस फिल्म का फाइनल नहीं हो पाया. उसके बाद उस फिल्म के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की गई. वैसे पिछले साल दिसंबर 2019 में एक टॉक शो के दौरान सौरव गांगुली ने अपनी बायोपिक के लिए ऋतिक रोशन के नाम को अप्रोच किया था. गांगुली ने कहा था कि अगर मेरी बायोपिक बनती है तो मैं ऋतिक रोशन को खुद के किरदार के लिए देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूं. वो कहते हैं कि एक वक्त था उस वक्त जब उन्हें फिल्म सुपर 30 में आनंद कुमार के रोल के लिए चुना गया था, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा संदेह में थे कि क्या ऋतिक रोशन के इस अंदाज को रोल में वह फिट बैठ पाएंगे. लेकिन ऋतिक रोशन ने ऐसी एक्टिंग की कि मानो सामने आनंद कुमार ही खड़े हों, जिससे साबित हो गया है कि इस रोल के लिए ऋतिक रोशन के अलावा और कोई एक्टर शायद फिट ना बैठता. इसलिए सौरव गांगुली का भी यही कहना है और यह चाहते हैं वो कि अगर उनकी बायोपिक कभी बनती है तो वो अपने छवि ऋतिक रोशन में देखना पसंद करेंगे या फिर देखना चाहते हैं. वैसे इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन का क्या रिएक्शन होगा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें. अगर ऐसी कुछ रिस्पॉन्स आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे. लेकिन आप क्या चाहते हैं कि सौरव गांगुली के इस रीमेक में कौन से एक्टर को होना चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जा लेकर अपने विचार ज़रूर बताएं. today's.com पर भी हमारे न्यूज़ को आप देख सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग टुडेज़ न्यूज़.